Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस गेम में मैंने अपना एक छोटा सा शोरूम खोला है जिसमें मैं ऐसे पुरानी गाड़ियां खरीद के उसे रिपेयर करवा के अच्छे प्राइस में बेच के पैसा कमाता हूँ. तो स्टार्टिंग में तो हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे, बट लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा मैंने काफी लग्जरी कार्स खरीदी, BMW. हाँ, मतलब ऐसे BMW थी, Audi थी और एक दो और महंगी महंगी कार खरीद के मैंने उसे बेच के बहुत सारा पैसा $50,000 कमा लिए थे. आज किस वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले थोड़ा सा ऊपर, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग और लग्जरी कार खरीदे, लाइक Lamborghini, Supra, मस्तांग, बहुत सारी गाड़ियां हैं इस गेम में. तो मुझे महंगी महंगी कार खरीद के और भी बहुत सारा पैसा कमाना है. अपना कॉन्सेप्ट यही है, मैं अमीर बनना है इस गेम में. और हाँ, अपने इस छोटे से शोरूम को ना एक बड़ी लग्जरी डीलरशिप में कन्वर्ट करना है जहाँ पे बहुत सारी कार्स हों. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. आज बहुत दिनों बाद मैंने अपनी ये दुकान खोली है. सॉरी, दुकान क्यों बोल देता हूँ उसको, मैंने शोरूम खोला है. और जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो भाई, अपनी सारी गाड़ियां बिक चुकी है, पर पता नहीं कौन ये भाई कूड़ा खत्ता नहीं है यार, कूड़ा क्यों फेंक के जाते हो यार, इतने प्लॉट खाली हैं, किसी के भी घर के आगे फेंक दो इनको, मेरा शोरूम मिलता है. ये पक्का कोई कॉम्पिटिटर है, जलता है मेरे से कोई. हाँ, नहीं तो गंद मचा रहे हैं यार मेरे शोरूम के आगे. हाँ, मतलब थोड़ा सा है कचड़ा दिखता है, बट अभी सुधार देंगे थोड़े टाइम में यार. इतना भी गंदा नहीं है, फेंसिंग वगैरह कर रखे हैं मैंने, पता नहीं कौन इतना कूड़ा फेंक के जाता है. बट जो भी है, आज कार का मार्केट प्लेस ओपन है तो फटाफट से हम लोग वहां पर चलते हैं और कुछ गाड़ियां देख कर आते हैं कौन कौन सी गाड़ियां ऑफर में आ रखी है. मतलब वो जगह पे भाई चीजें बहुत सस्ती मिल जाती है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से हम लोग बस पकड़ते हैं, ₹10 की टिकट है और पहुंचते हैं कार मार्केट में. लेट्स गो. आज जेब में पैसा बहुत ज्यादा है. मैंने स्टार्टिंग में गलत बता दिया था, $50,000 नहीं है अपने पास, $30,000 है, जो कि कम तो बिल्कुल नहीं है. बट एक सेकंड, गाड़ी मेरे को नहीं पता कौन सी है पर बहुत सही दिख रही है. कितने की दे रहा है भाई? डैमेज बहुत ज्यादा है और ये 41,000 चलने के लिए यहाँ से. मैं एक तो गाड़ी को नहीं पहचान पाया, ऊपर से इसके 41,000 पे करूँ फालतू. बहुत सारी और भी गाड़ियां आ रखे पीछे, इधर Porsche Carrera है, ये मिल जाए ना प्लीज यार. 35,000 दे दूंगा मैं, मांग ले. 1,69,000 शक्ल देखे तूने अपनी, एक तो खचाड़ा सी, नहीं यार खचाड़ा तो नहीं, बहुत मॉडिफाई, बहुत अच्छी हो रही है, तो बेइज्जती ही नहीं कर पाऊंगा मैं इस कार की. बाकी पीछे, ओ वेट, BMW. ये गाड़ी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ी Z4 जैसी है पर है नहीं है, थोड़ी पुराना Z4 है क्या? कितने की दे रहा है? BMW लूंगा ना मैं सीधा, 21,000 की दे रहा है. रुक जा, मैं आता हूँ थोड़ा सा और पता कर लूँ ना, क्या पता दो गाड़ियां ले जाऊं. ये भी कुछ अलग सी है, पिकअप व्हीकल है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई थिंक ये होंडा है, कितने की दे रहा है यार? सस्ती देगा तो ले लूंगा, होंडा भी बिक जाती है. सही, ड्रिफ्ट किट लगी हुई है, 12,000 की दे रहा है. ठीक है, आता हूँ और गाड़ी देख के. ये अच्छी मॉडिफाई हो रखी है. हेलो आंटी, तुम दोनों जुड़वा बहन हो? हाँ, ये दोनों सेम है. देखो एक बताओ कितना डिफरेंस है, उसको Porsche दिलवाई, इसको कुछ और दिलवा दिया. कितने की बेच रही है? 1,42,000. भाई क्या हो गया, एक सेकंड भाई, ये दोनों बहनें बहुत अमीर घर से है. ये भी 1.5 लाख की गाड़ी बेच रही है उसकी, ये वाली कार तो मेरे को लग नहीं रही थी 1.5 लाख की, ये पागल है थोड़ी. आज अपने बजट में एक ही कार है, BMW. मतलब है और भी, बट अच्छी कार जो है बजट में वो BMW है. आई थिंक ये स्कॉडा है. हाय आंटी, स्कॉडा बेच रहे हो आप? कितने की? 26,000, नॉट बैड, बट नहीं यार मेरे को नहीं लेनी. कुछ 5-6 हज़ार वाला माल दिखा दो, मेरे पास 30,000 है, 19,000. हाँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. BMW सही प्राइस में मेरे को मिल रही थी 21,000 में, और 12% डैमेज है, डर्टी है, फ्यूल कम है, सब चल जाएगा, डैमेज मेरे को ठीक कराना पड़ेगा. बाकी काम करता हूँ मैं, इसे थोड़ा बागेन करवाता हूँ. मतलब 21,493 के बेच रहा है, मैं इसको ऑफर करता हूँ 19,000. बहुत कम हो रहा है, बट कोई कोई डीलर भाई दे देते हैं जिसको जल्दी निकालनी होती है, मना कर रहा है. तो तेरे लिए भाई लास्ट 20,000 लगा रहा हूँ मैं, $400 तो बचवा दे मेरे, देख ले भाई. भाई तू के जितने बार्गेन ही नहीं कर रहा यार ये. दो, एक काम कर, 22. ओ वेट, 20 तो ये मांग ही रहा है. ओके ठीक है, जितने की दे रहा था मैंने उतने की ले ली, ये भी याद रखे. मेरे पास $9,000 बचे हैं. मैं सोच रहा था आज और गाड़ियां खरीद लूंगा, बट एक गाड़ी में अपना काम हो जाएगा. वैसे नहीं यार, ट्राई कर सकता हूँ एक सस्ती कार मिल जाए तो. अंकल जी 12,000 की बेच रहे हैं, पता नहीं कौन सी कार है. छोड़ो यार, आज कार मार्केट में अच्छी गाड़ियां नहीं आई है, अपने को एक गाड़ी मिल चुकी है ठीक ठाक प्राइस में, इसी को लेकर चलते हैं. इसका लेफ्ट वाला डोर मुझे ठीक कराना पड़ेगा, फिलहाल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से लेकर चलते हैं. ओके भाई, गाड़ी में साउंड ऑन बहुत सही आ रहा है. और एक बार यहाँ से निकाल ले जाओ भाई, एक हाथ पे चढ़ा दूंगा मैं, खाली बिली केस हो जाएगा मेरे पे. ओ एक सेकंड भाई, गाड़ी क्रेजी है भाई, ये महंगी बेचने वालों में पक्का. ओ पॉप, आई थिंक ये फर्स्ट कार है जिसने पॉप मारा है इस गेम में, मतलब जो मैंने खरीदी है, और भी आती होगी बट ये फर्स्ट है. ओ वाह भाई, इसमें टर्बो लगा पड़ा फुल, क्रेजी भाई, मजा आ गया. ऐसा वसूल डील इसको कहते हैं भाई. ओ नहीं 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 नहीं, ओ नहीं भाई, BMW है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट आराम से भाई. वैसे यार कुछ भी कहो, गाड़ी चलाने में मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि ड्रिफ्ट बहुत अच्छी मार रही है.
और इसी के साथ मैं इसे लेकर आ चुका हूँ, बट पहले इसे चलते रिपेयर करवा लेते हैं लगियान, उसके बाद इस पर पेंट करवा के इसे साफ करके मैं बेचने में लगाऊंगा। रिपेयर कौन करता था यार, मैं भूल गया, बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ यार, मैं सच में बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। शायद डोर रिपेयरिंग ये करेंगे, हाँ वो बंदा तो गाड़ियाँ मॉडिफाई करता है, ये रिपेयरिंग का काम इनका है। चलो वेट, इंजन ऑफ कर दो भाई, पेट्रोल ज्यादा नहीं है इसमें भाई, देख ज्यादा काम नहीं है तो ज्यादा खर्चा भी मेरे को नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड पे रिपेयर है, $440 भाई, लूट लो बेटा लूट लो, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन मैं सारी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, पेंटिंग की दुकान अपनी होगी, इलेक्ट्रिक एंड ट्यूनिंग सब अपना होगा भाई, सब कुछ। दरवाजा मेरा लेफ्ट वाला टूटा है और ये नीचे से एग्जॉस्ट की पाइप छेड़ रहा है, पता नहीं कहाँ के मैकेनिक है, बट यार जो भी है ठीक करके दे। मैं सोच रहा हूँ इसके टायर भी चेंज करवा दूँ यार, टायर ठीक है, अलॉय समझ नहीं आ रहे मेरे को कैसे से है, ये क्या है, ये बहुत खराब दिख रहा है मुझे इसकी वजह से, पूरा का पूरा व्हील। कितना रिपेयर कर दिया भाई, ओके हो गया ठीक है भाई, करा देता हूँ यार, थोड़ा पैसा लगा देते हैं, इन सब गाड़ियों में पैसा लगा दो ना, सही बिक जाती है। तो चलते हैं गाड़ी में, तो जल्दी से गाड़ी को निकालते हैं पीछे भाई, इसमें सारा सामान इंस्टॉल हो रखा है ऑलरेडी, बहुत सही साउंड है गाड़ी का। एग्जॉस्ट वगैरह पे कुछ नहीं करवाना, बस इसके मैं अलॉय चेंज करवाने लाया हूँ बस भाई। मैं चाहता हूँ मैं गाड़ी का जो प्राइस डालू ना ये उतने पे बिक जाए बस, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए रेडी हूँ भाई। देख इसके अंदर तू एक काम कर, व्हील लगा दे, ओ भाई ये बहुत सही है, 3000 पागल हो गया, कुछ सस्ते वाले दिखाओ, 400-500 वाले यार, 750 यार, 750 में कुछ आता ही तो नहीं है ना, दिक्कत यही है। ये थोड़े BMW के ही है, पर 5000 लगाओ भाई, स्टॉक बनाओ, अभी मैं देख रहे हो ओरिजिनल BMW के मैंने अलॉय लगवा दिए। देखो यार अभी सीन कुछ ऐसा है कि अपनी जो डीलरशिप है ना वो पहले जैसी नहीं रही, वो लग्जरी डीलरशिप बन चुकी है, देखने में नहीं लग रही है बट बन गई है मानो मेरी। तो इस पे मैं ले आया हूँ बस, थोड़ा सा हटा भाई, पेंट भी करवा देते हैं BMW पे, थोड़ा ब्लू पेंट अच्छा लगता है, व्हाइट भी ठीक दिखता है। तो भाई साहब एक काम करो, इस पे आप ना ब्लू में ही जाओ, पॉलिश कम करना पड़ेगा, स्मूथनेस हाई रखो भाई, मेटालिक लुक, ओ यस ये चाहिए था मुझे। अब भाई ना BMW 2 सीरीज वाली वाइब आ गई भाई इसके अंदर, तो कर दो $300 में भाई, ने बहुत खर्चा कर दिया भाई इस गाड़ी पे, बट यार क्या दिख रही है, फुल BMW 2 सीरीज दिख रही है, टू सीरीज नहीं दिख रही बट कलर वो वाला हो गया है, अभी आपको थोड़ी गंदी दिख रही होगी क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी बहुत अभी डर्टी है। तो ले जाके इस पे कपड़ा मारते हैं और उसे बेचने पे लगाते हैं, लेट्स गो। गाड़ी करी साइड, इसको मैं लगाऊंगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड मेरे लिए ना लकी है, यहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ जल्दी बिकती है। चलो भाई इंजन ऑफ, गाड़ी से मैं बाहर, और ये ब्रश निकालो यार, थोड़ी सी ना गाड़ी साफ कर दूं, यहाँ पे बहुत गंदी हो रखी है, चमका डालूंगा भाई मैं पूरी, बहुत ज्यादा ही गंदी थी यार ये, तो अभी चमकने के बाद बिल्कुल सियान कलर की होने वाली है। ओ वाओ क्या शाइनी है ये, देखो पहले ऐसा कलर था और अभी ऐसा हो चुका है। तो इस वाले डोर को भी क्लीन करता हूँ जल्दी से, इस वाला डोर भी मस्त क्लीन हो चुका है यार। क्या बेसिक से पार्ट को मेरे को एकदम डीप में जाके क्लीन करना पड़ रहा है इस गेम में, और मुझे ना अभी बहुत बुरा लग रहा है कि आज का पूरा दिन मैंने सिर्फ एक गाड़ी पे निकाल दिया यार, 6 बजने वाले हैं और मैं अभी बस एक गाड़ी लेकर आया हूँ, बेचा नहीं, मैं बहुत ग्राइंड करने के उससे आया हूँ, मुझे आज बहुत सारी गाड़ियां बेचनी और बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरे पास $30,000 थे और अभी 3000 बचे हैं, इस गाड़ी को भाई कम से कम $35,000 का बेचना मुझे। बाकी ठीक है, गाड़ी ओवरऑल क्लीन हो चुकी है, आई थिंक रूफ रह गया होगा, यस रूफ रह गया, इसको भी कर देते हैं। चलो सॉर्टेड भाई, पूरी कार एकदम मस्त क्लीन हो चुकी है। ये राइट साइड में क्या अलर्ट्स आ रहे हैं मुझे सच में नहीं मालूम, 134.58 क्या चीज है, यू हैव अनपेड बिल्स, मैंने कहा के बिल नहीं पे कह रहे भाई क्या हो गया। हाँ तो ये है BMW Z3A 1998 मॉडल, मैं बहुत पुराना मॉडल लेकर आ गया, मैं पता नहीं इन सब पे ध्यान क्यों नहीं देता हूँ। बाकी यहाँ दिखा रहा है ओवरऑल 21,493 की ली थी मैंने, 5000 ऊपर से लगाया, अप्रोक्स 27,000 मैंने इस पे लगा दिया है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 35,000 की बिक जाए। एक काम करता हूँ, कभी कभार ना अच्छे कस्टमर आ जाते हैं तो 38,000 डालते हैं और लगा देते हैं इसको सेल पे, ठीक है। अब जल्दी से आके ना कोई खरीद के मेरा दिल खुश कर दो भाई, ये गाड़ी मैं बहुत उम्मीदों से लाया था और रात, वाह क्या झटके में रात हुई है, काम शुरू ही हुआ था आज बट ठीक है यार। ये क्या है, यू हैव अनपेड बिल्स, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसका पैसा खा के बैठा हूँ, बट जो भी है अभी मैं वापस जा रहा हूँ सोने के लिए, कल सुबह आएंगे, आई होप कोई खरीदने आए। लेट्स गो, कंटेनर पे आ चुके हैं हम लोग, फटाफट से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं छुपा रहा हूँ, ये अपना घर है सच्ची में, इतनी बड़ी अपनी डीलरशिप है और हम लोग एक कंटेनर के अंदर रहते हैं इस गेम में। ऑलराइट तो मैं ऑफिस पे वापस आ चुका हूँ और भाई ये देखो कल जो ड्रिफ्ट मारी थी आज तक उसके टायर प्रिंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अबे कौन चिढ़ रहा है भाई, कौन मेरी दुकान के कूड़ा फेंक के जाता है, मैं समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इसी बहाने में कोई एक एक्सपीरियंस मिल जाता है और एक्सपीरियंस से मैं चीजें अनलॉक कर सकता हूँ। बाय द वे यहाँ पर एक गन क्या कर रही है, अच्छा ये कार वॉश मशीन है, इसके लिए मुझे 2 कोस्ट लगेगा, तो भी एक्सपीरियंस 83 है, जैसे ही 100 हो जाएगा तो मैं इनमें से कोई एक और स्किल अनलॉक कर पाऊंगा, और ये सब मुझे ना इन छोटी मोटी चीजों से एक्सपीरियंस मिलता है। तो जैसे यहाँ पर एक ग्लास है, मैं इसको पूरा क्लीन करूंगा तो मुझे एक और एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मतलब अगर गाड़ी गंदी हो रही है उसे मैं साफ कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए एडवांटेज वाली चीज है। बाकी बेटा एक सेकंड, मैं ऑफिस ओपन कर देता हूँ ना, कस्टमर वगैरह आते रहेंगे। चलो मस्त, गाड़ी मैंने पूरी क्लीन कर दी है, कोई आ जाए तो मजा आ जाएगा, बट हाँ
मेरे को लगता नहीं अभी कोई इतनी जल्दी आने वाला है यार। इस गेम में ना एक बैंक बनाना चाहिए जहाँ से मैं लोन वगैरह ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी बड़ा करना है। मैं एक गाड़ी खरीद के लाता हूँ, उसे ही बेचने में कुछ टाइम चले जाता है मेरा, और फ्री टाइम पे मेरे बच्चा क्या है, लोहा खरीदो इकट्ठा करो इसको ले आके बेचो, 5-10 रुपए मेरे को देता है, ले भाई कितने $60 दे वाओ। क्या हो गया आजकल? ओ वेट, मैं बोल ही रहा था। ओके तो अपनी गाड़ी खरीदने के लिए एक कस्टमर आया है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को 30,000 भी देता है ना, इस गाड़ी को बेच के खत्म करते हैं। बाय द वे 38,000 सोच रहे हो, 31 में तो भाई रेडी है देने, मतलब मैं गाड़ी बेच सकता हूँ और महंगी। एक काम करता हूँ, 31 ये दे रहे हैं ना, इसको मैं 34,000 ऑफर करता हूँ, जो कि आई थिंक ये नहीं पे करेगा, बट हाँ ठीक है, चल निकल यहाँ से, नहीं बेच रहा, चल चल। अभी मेरे को पता चल गया गाड़ी की वैल्यू है 31, तो भाई फर्स्ट बंदे ने ऑफर करा है, अभी और लोग आ रहे हैं भाई सेल अपनी, लोगों को पता चल चुकी है गाड़ी बिकने के लिए आई है। हेलो सर, देखो भाई 34,000 की भी बिक जाए तो बढ़िया है। ओ तेरी, अभी तो कस्टमर भर भर के आ रहे हैं। 29, चुप रहा बेटा, अभी तेरे को मार के भगाऊंगा। हेलो आंटी, आप मेरे को ऐसे जेन्युइन कस्टमर लग रहे हो, अमीर घर से थोड़ा। ओ 34,000, मेरी किस्मत देख रहे हो कितनी अच्छी, 38,000 की थी, 34,000 का कस्टमर मेरे पे आ चुका है। बट लालच बुरी बला नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये बिजनेस है, तो मैं इसे 35,000 ऑफर करूंगा। ओके वाओ बिक गई। भाई महंगी कार के ये फायदे हैं, अगर अभी मैं 2,000 की कार लाता तो उससे 3,000 की बेच पाता, या फिर 3,500 की बेच देता तो बहुत कम प्रॉफिट होता। बट अभी मैं सीधा एक कितने की, $21,000 की कार लाया, जिसपे मैंने $5,000 स्पेंड करे, और सीधा उसको मैंने बेचा $35,000 का, $6,000-$7,000 का प्रॉफिट चुटकियों में। अभी कार प्लेस ओपन तो नहीं है, बट पैसा आ चुका है बहुत ज्यादा, तो फटाफट से चलते हैं नेबरहुड में। भाई अभी मेरे को आ गया बिजनेस करना, बस थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। लेट्स गो, नेबरहुड में आ चुके हैं। यहाँ पर भी कभी कभार आती है यार बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, यहाँ पर सब कुछ एकदम रैंडम है। ये कौन सी ऑडी आ रखी है, और ये अच्छी बिक जाएगी जहाँ तक है, सस्ती मिल जाए तो। कितने के, 6,000, ये मैं ले लूंगा, ये तो प्यार से लूंगा, ऐसी 3-4 कार ले जाएंगे भाई। ये डब्बा नहीं चाहिए मुझे। वहां पर सामने कोई कन्वर्टिबल कार खड़ी है, और आई थिंक ओ तेरी, वो पागल है क्या भाई, फरारी बना रखा है उसको तूने, ओलो जीटी को। वेट, मेरे को एक ना बहुत पुरानी वाली बीमर दिखी है, और यहाँ पर एक भाई दो कार हो गई ये, लेकिन मेरे को लाख वाली लग रही है, पता नहीं क्यों। प्लीज सस्ते में दे दे, ये बजट में है भाई, 34,000 की है। ऑडी R8 या फिर टीटी लग रही है, और जो भी है भाई कन्वर्टिबल है। बट ये BMW कुछ अलग है यार, ये बहुत पुरानी M1 है। देखिए दे रहे हो सर, महंगी मत देना यार, 10,000 दो है क्या आप पे अंदर, और खड़ी भी है, 3-4 निकाल दो। एक काम करो, अपना देखो अपने पास $38,000 है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये दोनों कार ले जाऊं। आप कितने की दे रहे थे? ये 34 की दे रही थी, बट यार नहीं है, 3,000 तक नहीं आएगी भाई। ये क्या है, काफी ले निकल रहे हैं भाई, क्या हो गया शहरों में? देख रहे जब से तुम्हारे भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा, ऐसे महंगी महंगी गाड़ियां लाइन से दिखने लग गई है। वैसे पता नहीं मैं थोड़ा और एरिया एक्सप्लोर करने क्यों जा रहा हूँ, मेरे को ऑलरेडी एक दो कार अच्छी पसंद आ चुकी है, जो कि मैं 100% लेने लेऊंगा ही लूंगा। पर ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत और ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, क्या पता कुछ क्रेजी मिल जाए। एक स्कोडा मिल रही है, बट नॉट इंटरेस्टेड। लेक्सस कितने के भाई? ये तो लाख वाला माल लग रहा है, 35। नहीं 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 भाई, एक गाड़ी अच्छी है वैसे, पर छोड़ ठीक है। अभी ज्यादा ढूंढ डांडी नहीं करते हैं, दोनों गाड़ियां मुझे पसंद है, कुछ भी करके मुझे उन दोनों को खरीदना है। $3,000-4,000 और होते हैं ना तो दोनों आ जाती, बट पहले BMW लेते हैं। पर हाँ यार, BMW थोड़ी डैमेज थी तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, फटाफट से BMW खरीदता हूँ और इसको बेच के आता हूँ। आज के आज ही मुझे ये काम करना है, ताकि मैं ये ऑडी भी ले पाऊँ। तो सर एक काम करो, थोड़ी सी सस्ती करो इसको, डैमेज है क्योंकि 23%। गाड़ी पेंट कौन करवा रहा है भाई छुपाने के लिए? बागेन इसने बोला है 10,600, तो तू मेरे को ये दे 8,000 की, या फिर 8,500। ठीक है जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल भी। हाँ थोड़ा सा और ऊपर आने के लिए कह रहा है, तो लेख लास्ट 8,800 कर दे यार, भाई नहीं है। अबे यार चल ले 9,000, इतना बार्गेन मत खेल भाई, प्लीज करना खत्म डील। ओ भाई अब तो कम ही नहीं कर रहा यार, मैंने गलत करा, बट ले लेता हूँ अभी, जितने की थी उतने की लेनी पड़ेगी, वो अब किलस गया क्योंकि। चलो BMW आ चुकी है, $27,000 बचे हैं। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट, अब फटाफट से इसे लेकर चलते हैं, मजा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में सच्ची में। फटाफट से इसे शोरूम पे खड़ी कर आता हूँ, बेच के लगा कर आते हैं, दूसरी गाड़ियां भी लेकर जानी है। एक ड्रिफ्ट मार के देखो कैसी है, भाई मजा आ गया है भाई, गाड़ी में दम तो है। थोड़ा सा रोंग वे लेकर चलता हूँ, क्योंकि बहुत दूर जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी किस्मत में इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ गन लेने दे बेटा, तू गया। हाँ मैं कह रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गेम में मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ BMW ही लिखी है भाई। जितनी बार जाता हूँ BMW खरीद के लाता हूँ, और ओ भाई ये पॉप कैसे निकला, इसमें से बहुत लाउड था ये, पता नहीं कैसे बहुत रैंडम निकला।
मैंने एग्जॉस्ट भी ऐसे मतलब अलग से कुछ रेव नहीं करा था, बट ठीक है जो भी है खर्चा आ गया भाई, मैंने सामने से ठोक दी थी वरना फ्रंट लेफ्ट फेंडर्स बिल्कुल डैमेज नहीं थे, बट ठीक है मैंने कर दिया तो अभी कर दिया, इसे रिपेयर करो। बाकी मेरे को एक न्यू स्किल पॉइंट मिल चुका है, मैं क्या अनलॉक करूं? मैं कार वॉशर अनलॉक कर सकता हूं जिससे शायद एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट आएंगे, बट इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए। ओ मैं अनलॉक क्यों नहीं कर पा रहा हूं कुछ भी? देखो या तो मैं क्लीन विद द स्पॉन्जेस, मैं क्लीनिंग को फास्ट कर सकता हूँ या फिर बार्गेनिंग को बढ़ा सकता हूँ या फिर कार डैमेज जो है उसको थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, बेटर बार्गेन अनलॉक करते हैं और एक स्पॉन्ज अनलॉक करता हूँ जो कि मैं नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, मेरे पास स्किल पॉइंट 0 है ना इसलिए। बाकी ठीक है यार, अपनी बीमर रिपेयर हो चुकी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, शोरूम में लेके खड़ी करके इसे बेच के खत्म करता हूँ भाई। ओ नहीं 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 नहीं, बच गए भाई, क्या किस्मत खराब है गाड़ी की, ठुकने के लिए आइएगा बस बस। चलो इंजन ऑफ, एग्जिट, टायर क्या मस्त दिख रहे हैं भाई इस गाड़ी, कुछ नहीं करवाना। वेब पेज, BMW सीरीज 5, 10,600 के लाया था, 500 ऊपर से लगाए हैं, तो इस गाड़ी को मैं बेचने वाला हूँ 18,000 का। कोई मैथ्स वैस तेल लेने जाए भाई, हम गाड़ी बढ़िया लाए हैं, हमें पता है 1984 मॉडल पुराना, ये रेयर है क्लासिक कार में आ गई भाई, तो ये महंगी बिकनी चाहिए, तो जब तक आओ लोग खरीदो तुम इसे, मैं होकर आता हूँ नेबरहुड। हाँ मतलब ऐसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, कोई कस्टमर आएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर। ओके आ भी गया भाई, इतनी जल्दी कैसे आ रहे हो तुम इस गाड़ी के लिए? हेलो कौन है भाई? ओ ये तो वही वाली आंटी है। हेलो 18,000 की ले रहे हो ना? पक्का बताओ, मेरे को जाके एक और गाड़ी खरीदनी है, वहाँ पे मजा आ जाएगा सच्ची में। सरप्राइज सिम से बेटा है, कैन यू 16,000 की बिक रही है भाई, क्या हो गया? ले 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 ले, लेकिन थोड़ा सा ना इसको 16 को तू ट्राई कर 17 बना दे। अब भाई ऑडी भी ला रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लो। ओ हो गया भाई, लेट्स गो, अमीरी की हद पार कर रहे हैं हम लोग सारी। $44,000 हो गए भाई, चलो चलो चलो। हाँ मैंने क्या बोला था, आज मैं वाली ऑडी भी खरीद के जाऊंगा। कहाँ चलेगी भाई? दोनों लेंगे, ये वाली भी लूंगा वाली भी, मजा आ गया भाई कसम से, दिल खुश। ये यार बहुत तेज चलाने लग गए लोग गाड़ियां भाई सच्ची में, ये वाले कट पे तो किसी दिन लगता उड़ा के चले जाएगा कोई मेरे को। उई, ये तो हमने बेची थी, देख रहे हो शहर में घूमने भी लग गई भाई। हेलो आंटी, हाँ कितने की बेच रहे हो यार? 41% डैमेज, तभी सस्ते में मिल रही है। एक मिनट रुकियो, ये गाड़ी तो ऐसे देखने में लग रही है एकदम शोरूम से निकल कर आई है। लुक कार, बट ठीक है मैं ट्राई करता हूँ बार्गेन कराने का। 34 इसने बोला है तो 32, अरे चाहिए मत अभी, 32,000 पे से मैं लाता हूँ, प्राइस इज बोदरिंग में। खरीद ली ना मैंने, नाइस। मेरे को लगा ऐसे रात होगी और सारे डील्स कैंसिल, सब बंद बंद हो गया, बट जो भी है गाड़ी अपने हत्ते आ चुकी है भाई, क्या प्यारी दिख रही है। स्टार्ट करता हूँ ऐसे, ओ एक बार को तो मेरे को लगा बहुत फास्ट है, ऐसा कुछ था नहीं वो स्टार्ट की पावर थी, बट ये है क्या फास्ट? नहीं ऐसा भी कुछ, क्या बात कर रहे हो, ये क्या था भाई? इसके टायर चेंज करवाने मुझे दिख रहा है, मैं कराऊंगा, उस पर पैसा लगाएंगे। पर ये पॉप जो आए हैं ना, ओ अच्छा आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं असली असली है, ऊपर से करवाए हैं लग रहा है, मतलब मजा आ गया, टायर थोड़े और हो जाते ना दिल खुश हो जाता। तो आज इस गाड़ी से हम लोग ना घर पे नहीं जाएंगे, वेट आई मीन घर पे जाएंगे, मेरा कंटेनर का यार। ओ यार ये क्या नाच रही है भाई गाड़ी वाली। तो आज इस गाड़ी को लेकर मैं शोरूम नहीं जाने वाला हूँ, पहले हम लोग अपने कंटेनर पे जाके सोएंगे और सुबह इसी गाड़ी से मैं शोरूम आने वाला हूँ भाई। फन है भाई ये वाली कार तो सच में बहुत ज्यादा। ओहो ओहो भाई यार ड्रिफ्टिंग है भाई, सच में बहुत फन है ये कार। नहीं हाँ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। ओके तो फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ओ नहीं, ओ यार मैं वैसे ऑलरेडी कार इतना डैमेज थी, बट ठीक है थोड़ा सा और सही रिपेयर तो कल करवानी है, बट जो भी है सोने चलते हैं। आज मस्त प्रॉफिट हुआ यार। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, बट ये अनपेड बिल्स क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पैसा भरना है मुझे। मैं जैसे ही सोता हूँ यहाँ पर इतने सारे ये बढ़ जाते हैं, और इससे मेरे को लग रहा है मुझे कोई तो प्रॉब्लम होने वाली है। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है 226143 और 3, क्या है ये? एड फ्यूल रिपेयर 1। ओ मैं ऐसे कार एकदम ऐसे टो भी करवा सकता हूँ फ्री में, नाइस nice. शायद पैसे कटे होंगे इसके, बट हाँ यार ये बहुत सही तरीका है, मैं सीधा नेबरहुड से गाड़ी खरीदूंगा और अपने ऑफिस पे टो करा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये वाली गाड़ी खरीदनी, कितने की पता करते हैं, 5-6,000 भाई, 25 पागल हो गया। थोड़ा एक सस्ती गाड़ी खरीद के ना उस पर ट्राई करके देखते हैं टो वो करके पहुंच रही है नहीं। बाकी आज ना कार मार्केट प्लेस भी ओपन है, तो वहां से भी हम लोग भाई साहब ये क्या है, चेवी है क्या? 9,000, नाइस ये मिले ना बढ़िया डील, इसे बार्गेन करते हैं। 8,000 दे, जल्दी खत्म कर, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करियो। डील डन है, डन है, डन है। अबे चल लास्ट ऑफर 8,500, डील डन। अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा, हाँ हो गया, नाइस हो गया। अब मेरे को ये गाड़ी को सीधा टो कराना है, वो नहीं करा सकता मैं। ओ हो गया, सीधा रिपेयर वन वाले पे भेज दिया मैंने, मतलब यहाँ से मैं गाड़ी बिना चलाए भी बहुत फास्ट अपने ऑफिस पे मूव करवा सकता हूँ। मुझे उल्टा वाली कार को रिपेयर पे मूव कराना था, बट जो भी है अभी ऑफिस चलते हैं, लेट्स गो। वापस से आ चुके हैं हम लोग अपने शोरूम पे, और ये है वो पार्किंग स्लॉट जो मैंने परचेज करा था शायद, तो भी अगर कोई भी गाड़ी एकदम क्विकली मूव करानी है मैं यहाँ ला सकता हूँ। बाकी ये गाड़ी को रिपेयर 2 पे भेजते हैं। दो गाड़ियां खरीदी आज मैंने, $3,000 में बचे हैं, और इन दोनों से
रिपेयरिंग करवानी है मुझे, तो पहले तो अपनी ऑडी रिपेयर पे लगवाओ, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट डैमेज है, 900 लग गए भाई रिपेयरिंग में। और ये क्या है लेफ्ट राइट में जो बढ़ रहा है भाई, ये क्या सीन है? देयर इज नो प्रॉब्लम विद कार, थैंक यू ये कार। ओके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पीछे लेकर चलो भाई। ओ वाओ ये गाड़ी जितना शोर मचा रही है ना, बहुत ज्यादा स्लो है उसके अकॉर्डिंग। नाइस, इस गाड़ी को राइट में खड़े करेंगे, ओ सॉरी इस तरफ में, बढ़िया। बस 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 मैंने कितनी 9000 की ली थी ना, फटाफट सेल पे लगाते हैं। वेब पेज Chevrolet थी शायद, यस Chevrolet Cobalt 8500 की ली थी, तो मैं से 14000 की लगाता हूँ। बस ज्यादा सोचना नहीं है भाई, अब सीधा गाड़ी लाओ, बेचने पे लगाओ। और कूड़ा जो फेंक रहे हैं ना, इनको किसी दिन बेटा सीसीटीवी लगाऊंगा, देखना तुम, डंडे डंडे मारूंगा पकड़ के। चलो ठीक है, अभी ये काम हो चुका है। और ये देखो अनपेड बिल्स क्लियर हो गए, पता नहीं कैसे हो रहा है सब, बट हो रहा है। बाकी अपनी ऑडी भी रिपेयर हो चुकी है भाई, जल्दी से इसे ठीक कर दे, इसको बेचने का मेरा बहुत ज्यादा मन है। लेट्स गो, गाड़ी स्टार्ट करो भाई, ये गाड़ी बहुत क्रेजी है। इसके टायर चेंज करवा देता हूँ, सॉरी टायर नहीं, मेरे को इसके बस अलॉय चेंज करवाने हैं। व्हील बहुत सही दिखेगा फिर इसका, बस आगे लाके परफेक्ट। बस इंजन ऑफ कर दूं। हेलो सर, इसका आप एक काम करो, व्हील में ये ठीक है। अरे मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा एक दिन, बहुत पैसा लगा रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों पे। मैंने थोड़े सस्ते वाले लगाए हैं, बट स्टॉक से तो बहुत बेटर है, तो मतलब गाड़ी पहले से अच्छी दिख रही है। देखो गाड़ी बेचने के लिए ना तुम्हें थोड़ी ऐसे नॉलेज होनी चाहिए कि गाड़ी को तुम्हें अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, मतलब चले वाले खराब ठीक है बेच। ओ कुछ हुआ नहीं है ना, डैमेज पक्का भाई, कहाँ से भगाता हुआ ला रहा है। इधर एक रेड लाइट लगाओ, स्पीड ब्रेकर लगाऊंगा इधर मैं। हाँ नहीं तो पता नहीं कहाँ से ठोक के गया, बट डैमेज नहीं आया पता नहीं क्यों, किस्मत किस्मत की बात है भाई। अब देखो पहले इसको मैं बेचने भी लगाता हूँ, कस्टमर आए हुए हैं शॉप पे, शोरूम में 32000 की लाया था, 2400 ऊपर से लगाए हैं, तो ये गाड़ी बनी $45,000 की, या फिर आप कह सकते हो $48,000 की, पुट इट ऑन सेल। चलो भाई देखते हैं, इसका जो कस्टमर आया ना उसके तो भाई मजे हैं। ओ वाओ यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका है इस गाड़ी का, 14,000 की थी, थोड़ी डर्टी है गाड़ी, 9,000 नहीं आप बाद में आना, 9,000 की तो बेटा मेरे को खुद पड़ी है, निकल यहाँ से। गाड़ी थोड़ी साफ वाफ कर देता हूँ भाई, इनको ऐसा लग रहा है कि पुरानी है बहुत, थोड़ी चमकती हुई व्हाइट कार है यार ये, ऐसे मत देखो, थोड़ी क्लीन श्लीन कर दूंगा ना अभी, एकदम मस्त कस्टमर्स को लगेगी क्या गाड़ी लाया भाई है। वैसे यार मुझे ना एक चीज का ध्यान रखना है, फटाफट से एक कार मुझे निकालनी है क्योंकि पैसों की जरूरत है, मार्केट प्लेस ओपन है तो वहां से जाकर मैं और अच्छी गाड़ी ला सकता हूँ कम रेट में। क्लीन कर दे बाकी, तू वापस आ गई घर से पैसा लेकर आइए क्या, और ये बजट बढ़ा कर आइए शायद अभी थोड़ा, लास्ट टाइम इसने 9,000 बोला था और इस टाइम 11,000, नॉट बैड, थोड़ा सा वेट कर। हाँ जी भाई साहब आप कितने के ले रहे हो? 14,000, 11,000 ये भी दे रहा है, 12 में निकाल लूँ या फिर थोड़ा और वेट करूँ? थोड़ा और वेट करते, डोंट सेल। और आप इधर आओ, मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आ जाओ, या तो से एक बार बार्गेन मार के देखता हूँ, बार्गेन 13,000 में रेडी है तो ठीक है, वरना इसके लिए भी डोंट सेल है, तू 12,500 दे दे काम तब भी ठीक है मेरा, ले जा। अब निकल, अब हो गया तेरा, बहुत देर से देख रहा हूँ इसको मैं। ओ वेट, ऑडी की कस्टमर आई भाई, हेलो 48,000 दे दे भाई खत्म कर, 42,000 भाई, 43 है वो ऑलमोस्ट। वैसे यार नहीं यार इसको मैं बेच सकता हूँ, मेरे को फील है कि 45,000 की ये बिक जाएगी गाड़ी, जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान नहीं कर। वो बिक गई 45,000 की, बिक गई भाई वो। अरे यार महंगी गाड़ी में मजे है भाई, अब मैं सीधा मार्केट प्लेस जा रहा हूँ भाई, ये वाली गाड़ी भी निकाल देता हूँ फटाफट से, आज लाख पहुंचा देंगे भाई, आज अपनी कमाई हो जाएगी। 10,000 पागल है क्या, 11,000 वालों को धोखा रिजेक्ट करा मैंने, आप बताओ 12 किलो खत्म करो, मेरे को जल्दी से मार्केट प्लेस जाना है अभी। ओ भाई ऑलमोस्ट उससे 12, एक काम करता हूँ 12,500 में हो जाएगी है। दन 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 भाई पूरी गाड़ी एकदम नई जैसी है, लेट्स गो, 58,000 आ चुका भाई अपनी जेब में, अमीरी हो रही है भाई। अब देखो बस तुम, मैं समझ गया हूँ बिजनेस कैसे करना है, अब सीधा चलते हैं कार मार्केट। और अगर आज भी कोई मस्टैंग या सुपरा दिख गई ना भाई, आज चलेगी वो साथ में। वेट फरारी आई हुई भाई, दे दे यार 50,000 पूरे दे दूंगा सच्ची में, 2,61,000 डंडा देख बेटा, डंडा खरीद के लाऊंगा किसी दिन यार, मेरा दिल खुश हो गया था फरारी देख के, बट बहुत ज्यादा महंगे। ओ R8 वो टीटी थी भाई, ये वो टीटी भी नहीं थी शायद, 5,00,000 हैं, तू पागल है भाई ये फरारी 2,00,000 की दे रहा है, वो R8 5,00,000 की दे रहा है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा भाई। या तो इसकी गाड़ी बहुत खराब होगी फरारी वाले की, बाकी एक ओ वाओ ये तो वही वाली BMW है, तू भी 10,000 की बेच दे यार, सही कमाई हो गई थी। 15 ये ले सकता हूँ मैं, मतलब ठीक ऑप्शन है। इतनी उम्मीदों से आया था यार मैं मार्केट प्लेस पर, कुछ भी खास नहीं मिल रहा, सब कबाड़ है। मैं वैसे मिल तो रहा है, बजट से बाहर है, R8 और फरारी आई हुई है, इससे बड़ी चीज क्या ही देख ले। बट हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वापस से हम लोग चलेंगे अपने BMW बिजनेस पे, क्योंकि BMW मेरा कभी नुकसान नहीं कराती है। तो बार्गेन करते हैं 12,000, नहीं यार गाली बक देगी मेरे को, 12,500 नहीं मिलने वाली इतनी सस्ती। ओके थोड़ा ज्यादा 14,500 लास्ट ऑफर, ये तो इतने में मिल जाना चाहिए यार। ओके मिल गई, और सस्ती करवानी चाहिए थी, बट ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, मेरे को बस ना ले जाके शोरूम में खड़ी करनी है, तो एक काम करता हूँ यहाँ से निकलते हैं,
इस गाड़ी को ना मैं टो करवा देता हूँ शोरूम में। शोरूम पे टो कर दो और लेके यहाँ ना कोई एक सस्ती कार भी ले लेता हूँ, साइड बाय साइड अपना बिकते रहेगी। ये कितने की है? 9000। बेटे चाटा पड़ेगा बहुत तेज, भाड़ में जाओ सारे। मैं नेबरहुड से कार लेकर आऊंगा, बढ़िया। ऑफिस चलते हैं। और अभी ये गाड़ी आई थी, इसको तो बस रिपेयर पे लगाना है, इसमें कोई काम की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कार थी ये। चलो इसको फटाफट यहाँ पे साइड में पार्क कर दो बस, और इसको बस मेरे को एक मस्त प्राइस के साथ भेज देना। लेट्स गो। वेब पेज कितने की लाया था मैं? ये भी वही 5 सीरीज है अपनी वाली, 14,500 की लाया था ना, ये 25,000 की बिक जाएगी, मैं कह रहा हूँ। चलो थोड़ी बहुत डर्टी है, इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूँ बस। ओके कस्टमर आने लग गए बाय द वे इस गाड़ी के। हाँ मेरे को ना अभी शायद नेबरहुड जाना चाहिए यार, रात हो गई है, नहीं जा पाऊंगा, अब कल ही जाएंगे। आज बस इसी गाड़ी को बेच देता हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। हेलो 25 की है, देख लो ले लो भाई, इससे बड़े ऑफर नहीं है। आई एम थिंकिंग 17। बेस्ती कर रही है तो ये आंटी सबसे ज्यादा आ रही है भाई अपनी शॉप पे, मैंने देख लिया। और ये अमीर बिल्कुल नहीं है, भाग यहाँ से भाई। 14,000 की तो मैं लाया हूँ, 12,000 कैसे मांग सकते हैं लोग मेरे से? मैं लूट कर आया हूँ या फिर ये लोग पागल हैं? नहीं मैं लूट कर नहीं आया हूँ, ये गाड़ी मैंने लास्ट टाइम भी अच्छे प्राइस में बेची है, और इस बारी ये बिल्कुल करेक्ट एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। अबे तुम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या? निकलो यहाँ से, चल 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 घर निकल तू। ओए इसका दूसरा रूप आ गया, देखो अलग से बताऊं क्या? ओ वेट एक सेकंड, ये 17,000 और बार्गेन करके इसे मैं 18 करवा के खत्म करता हूँ यार काम। मतलब हर बार ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए गाड़ी के लिए, हो जाएगा इतने में। नाइस, चलो सॉरी निकलो आप, बेचनी चाहिए थी शायद से 20 की भी चले जाते। लालच यार, वो लालच बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा। ठीक है अभी अभी बहुत हो गया भाई, 62,000 आज 1,00,000 पहुंचा दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। वैसे यार अभी ना बस थोड़ी देर में यहाँ पे रात होने वाली है, तो फटाफट से निकलते हैं अपने घर के लिए। कल के दिन मस्त अपने पास बजट है, तो अच्छी गाड़ी लेकर आ पाऊंगा और मस्त बेच पाऊंगा। बाकी मैं थोड़ा सा लोहा इकट्ठा करने आ गया था इधर, मैं इतना मस्त गाड़ियों से पैसा कमा रहा हूँ, पता नहीं मैं इसके पास क्यों आ जाता हूँ। ये ले भाई $80 मिल गए, मैं इसकी हेल्प करता हूँ सच बताऊँ तो। वो $80 में से ये ले भाई, तू भी रख यार, कब तू लोहा बेचता भाई, कितने दिए मैंने इसको पता नहीं, छोड़ो। एक सेकंड यहाँ पे लिख कर आ रहा है ऑफिस इज डर्टी, मैं ऑफिस भी साफ करूँ क्या? ये साफ होएगा? ये तो हो ही नहीं रहा साफ, क्या साफ कर दूँ ऑफिस में? छोड़ो जो भी है, अभी अभी कुछ साफ सफाई नहीं करनी, फटाफट से मैं जा रहा हूँ सोने कंटेनर पे। लेट्स गो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज ऑक्शन डे है, बट मैं ऑक्शन पे नहीं जाने वाला यार, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी आती है और कुछ भी अपने बजट में ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं नेबरहुड जाऊंगा। नेबरहुड में एटलीस्ट गाड़ियाँ रहती तो है जो खरीद सकूँ भाई, ऑक्शन वाली जगह पे यार लाख लाख की गाड़ियाँ होती है सीधा। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है किस्मत खराब है, यहाँ भी कोई अच्छी गाड़ी नहीं दिख रही है। मैं ना थोड़ा ब्रांड पे फोकस कर रहा हूँ भाई, गाड़ी का ब्रांड बड़ा होता है ना, तो वो फिर बिकती है भाई, जितने गिला उससे डबल में जाती है। आज मुझे वो ही नहीं दिख रहा बस सच्ची में। ये होंडा है, मस्त स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ है, कितने की है? सिविक है क्या भाई साहब? तो बहुत सस्ती है, 2000 की। ये मैं बाद में देखूंगा, अच्छी है ले जाता हूँ इसे बाद में, पर बहुत ज्यादा सस्ती है यार। एक सेकंड कुछ तो क्रेजी दिखा भाई पीछे, दो वेट सुपरा दिख गई है भाई। अब तू इसे बस 50,000 की भी देगा ना मैं ले लूंगा, पर लाख मत जाइयो प्लीज यार, इनको मेरी जेब दिख जाती है क्या? मतलब 62,000 मेरे पास है तो 72 मांगेगा भाई। देख अब तू देख, तेरे को मैं दिखाता हूँ, 62 ही पूरे ले ले, मेरे पास जितना पैसा पड़ा सारा ले ले, दे दे कार। अब 10,000 कम नहीं करेगा ना, निकल अब यहाँ से बेटा, तू देख एक दिन तेरा पूरा घर खरीद लूंगा। अब ये इससे गुजारा करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी कार है, कौन सी है, शेवरलेट की है, कोबाल्ट या 9,000 की है, ले लूंगा बाद में। क्या यार सुपरा आ रखी है बट मैं ले नहीं सकता, थोड़ा बजट से बाहर है। या तो मैं फटाफट से क्विक बिजनेस कर सकता हूँ यहाँ से, गाड़ी ले जाके जल्दी से 2-3 कार ले आके बेच दूँ और अपना काम हो जाएगा। तो ठीक है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं, अपने पास थोड़ा बहुत टाइम है, अगर पैसा कमा लिया तो सुपरा ले सकता हूँ मैं। तो ये मेरे को 9,600 की दे रही है, इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, 9,000 में लेके खत्म करते हैं, जल्दी दे दे भाई। अब बार्गेन ऐसा दिया है, प्राइस करने का मतलब ही नहीं है, बढ़िया। अब इसको फटाफट से मेरे शोरूम में भेजो, वो वाली गाड़ी पहुंच गई है, फटाफट से एक और कार लेते हैं, वो सिविक 2000 वाली है ना उसको लेता हूँ। 3 गाड़ियां ले लूंगा फटाफट से, जल्दी जल्दी कम प्राइस में बेच दूंगा ताकि सुपरा के पैसे इकट्ठे हो जाए। 10,000 कमाने हैं मुझे बस। ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कुछ रिपेयर नहीं कराना, तो इसमें तू 2800 के ना देख, 2000 में देख खत्म काम, जल्दी 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 फास्ट, टाइम नहीं है। अरे नहीं बेच रही, 400 इससे कम, इससे मतलब इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा यार। वाह भाई वाह, जाना पड़ेगा, ये तो भाई ज्यादा अकड़ू है भाई, इतना तो कर ले। ठीक है हो गया। तो ये दूसरी कार मैंने ले ली है, इसको मैं, ये डैमेज नहीं थी बट इसको भी मेरे को क्विक टेलीपोर्ट के लिए रिपेयर वाले पे भेजना पड़ेगा, वहां से उठा लूंगा। 2 कार हो गई है यहाँ से पीछे, ये कौन सी, ये जीप लग रही है मेरे को, कौन सी है, उंडे सेंट्राफा, ये क्या है भाई, 32,000, पागल हो गई है क्या? हट यार, ऐसे मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई बड़ा ही ब्रांड होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बार्गेन करके ले लेता हूँ। ये भी अगर बिक गई तो सुपरा के और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 30,000 की इसे बोलता हूँ मैं, प्रैक्टिकल कार, इट विल मेक, ओ वाओ हो गई ये भी वाली गाड़ी भी, इसको भी फटाफट से भेजते हैं रिपेयर पे। सारी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई, मैं कुछ भी चला के नहीं जा रहा अभी, उतनी इधर ट्रैफिक लग गया भाई, ठोक ठोक दी भाई किसी ने खंबे में, ये देखो
कैसे? मैं कह ही रहा था तेज चला रहा है, भिड़ेगा इस दिन। आज ही बेचारे का कांड हो गया। यहाँ पर एक छोटी कार भी खड़ी हुई है, पता करता हूँ ये भी कितने की। चला के ले जाऊंगा, मेरे को पैदल नहीं जाना पड़ेगा। 24,000 की दे रहा है ना तू? ला 2,200 की बड़ा। ओए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सॉरी। तो मैं जेब खाली होगी भाई, सॉरी भाई। बस पकड़ के अभी घर निकलते हैं, आज बहुत ज्यादा खर्चा मैंने कर दिया। 11 AM हो रहे हैं, 6 PM तक का हमारे पास टाइम होता है, वरना नेबरहुड रात हो जाती है और सारी गाड़ियां अगले दिन चेंज हो जाती है। तो फटाफट उससे पहले मुझे सारे काम खत्म करने हैं। ये वाली कार भी देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक कंडीशन में, क्योंकि 2000 भाई इजी। ला दे 2000 की दे, मैं बेचूंगा इसे 3-4 हज़ार में भाई साहब। इसको ये भी ज्यादा कम नहीं कराया मैंने वैसे, लाइक किसो की दे। कर दे यार खत्म, इतने रोक क्या रहा है गंजे। ओके वाह हो गया। चलो भाई ब्लैक सस्ती माफिया कार मिल गई मेरे को, फटाफट से इसे भगाते हैं और जल्दी से घर पे चलते हैं। ओ भाई गाड़ी में पावर है भाई, मजाक में नहीं लेना इसको, बहुत सही भाग रही है गाड़ी। लेट्स गो गाइस। तो ये मैं अपनी ये चौथी कार लेकर पहुंच चुका हूँ शोरूम पे। मतलब देख रहे हो, जब पैसा आता है ना तो फटाफट से गाड़ियां मैं खरीद सकता हूँ और उसे जल्दी जल्दी बेच के जल्दी जल्दी पैसा भी कमा सकता हूँ। तो अभी जितनी गाड़ियां लाया सबको शोरूम के अंदर खड़े करता हूँ और सबको बेचने पे लगाते हैं भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ओके ये गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज थी क्या कि नहीं? ये भी ठीक थी शायद। चलो अरे वेट वेट वेट, रुक, थोड़ा गैप करके लगाता हूँ क्योंकि अभी 2 कार और ला के लगानी है। बस 2 गाड़ियां लग चुकी हैं, फटाफट से इसे ओपन करो और बाकी इनको बेचने पे लगा देता हूँ जब तक इसके कस्टमर आते रहेंगे ना। वेब पेज, वाह भाई क्या मस्त दिख रहा है। थोड़ा लिस्ट दिख रही है, शेवलेट कोबाल्ट जो कि मैं लाया था 9,000 की, इसको हम लोग बेचेंगे 15,000 का। तो एक लगी सेल पे, दूसरी है ये पता नहीं कौन सी है जो कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं थी, 2000 की लाया था, 4000 की डाल देता हूँ या फिर 4200 की डाल देता हूँ। ठीक है जल्दी जल्दी बेचनी है। 2 गाड़ियां और है जो कि सामने रिपेयर वाले पे खड़ी हुई है, एक रिपेयर करवानी है और आई थिंक एक पूरी रिपेयर्ड है। बट जो बड़ी वाली थी ना 32,000 की, उसे बेचना होगा क्योंकि सुपरा के लिए 72,000 इकट्ठे करने हैं। लेट्स सी मैं खरीद पाता हूं या नहीं। भाई इसको रिपेयर कर दे, $640 लगे हैं। ये वाली तो ठीक है ना, बस डन है। ओके वेट, अपने शोरूम में कस्टमर आने लग गए हैं। मैं वैसे एक होंडा भी यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसको भी फटाफट से ले जाके पार्क करते हैं। थोड़ा सा साइड दो भाई, बहुत सही। गाड़ी से बाहर चलते हैं और पता कर लेता हूँ भाई कितने की खरीदना चाह रही है। 15,000 मैंने डाला था। अरे डर्टी है यार गाड़ी, थोड़ी साफ कर देनी चाहिए थी। 8,900 निकल यहाँ से, पैसा कमाने आया हूँ मैं। हाँ जी आप बताओ। 4,200 मैंने डाला आस्किंग प्राइस। ओ भाई वेट क्या हो गया, थोड़ा जेब भर भर के आओ, क्या हो गया? हल्की सी गाड़ी, गंदी क्या दिख रही है तुम्हें? तुम तो एकदम मजाक समझ रहे हो। ओके वेट, मैंने देख लिया यहीं से अपनी वो जो ऑडी नहीं यार, पता नहीं कौन सी कार है, वो रिपेयर हो चुकी है तो फटाफट से वो भी लेकर आते हैं। अरे तू उधर से कहाँ से आई है? हेलो, इसको तो पहचाना ही नहीं मैंने। 15,000 को, ओ वाओ 10,000 मैं लाया, कितने की था ये? मैं 4,000 कुछ की लाया था ना यार। एक सेकंड रुक जा, मेरे को ना पता कर आने थे। मैं इतनी सारी गाड़ियां खरीद के आ गया ना, मुझे अबे मैं अटक गया। हाँ मुझे याद नहीं है मैं कितने की लाया था। व्हाइट वाली का प्राइस देखता हूँ, शेवलेट कोबाल्ट नाम है उसका, चेवी कोबाल्ट भाई। 9,000 की, पागल है, नुकसान हो जाता। आई मीन 1,000 की कमाई होती, कम से कम 3-4 हज़ार तो कमाऊं। 9,000 की लाया था, 12,000 की बिके एटलीस्ट। भाई तू पागल हो गया क्या? निकल यहाँ से भाई, इसके लिए भर के कस्टमर आ रहे हैं यार, खरीदो तो कम से कम। ले जा भाई। अबे 8,000 गिरते ही जा रहा है भाई रेट। 9,000 की लाया, 8,000 क्यों बोल रहे हो? तू फिर आ गया। 11,000 आया, कस्टमर मिल चुका है भाई। ये ले 12,000 ले, दे और ले जा जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे भाई। आई थिंक हो जाएगी डील, डील डन है भाई। चलो निकल यहाँ से तू। चलो एक गाड़ी मैंने निकाल दी, इसी तरीके से मुझे फटाफट 72,000 पहुंचना है। बाकी ये सारी गाड़ियां सस्ती थी, जो सबसे महंगी वाली कार है जिसपे $32,000 खर्चे हैं, वो रिपेयर हो चुकी है, उसको लाके खड़ा करूंगा। अगर वो भी बिक गई ना, काम शॉर्ट है भाई। चलो भाई इस गाड़ी को लेकर चलते हैं। ये बहुत क्रेजी व्हीकल है भाई, पता नहीं कौन सी ब्रांड है बट हवाओं से बातें करने वाला हिसाब है इसका। चलो इसको पार्क करता हूँ पीछे ले जाके, एकदम प्यार से इसको एकदम तमीज में रखना। आई बच चुकी भाई, जान निकल गई थी सच्ची में एक बार को। चलो 2 गाड़ियां यहाँ पर आ चुकी है। हाँ जी आपको ये वाली लेनी है? 2000 कुछ की लाया था मैं, ले लो यार से खत्म करो। भाई तू पागल हो गया क्या? नेवर रूट से जाके लिया ना, हम क्या करने आए हैं भाई। यार ये गाड़ी नहीं बिक पा रही यार, 3000 में निकाल देता हूँ मैं इसको। देखा अगर तू दे रहा है तो दे, वरना तू भी निकल। ओ हो गया, बिक गई भाई, जल्दी जल्दी बेचो भाई, बेस्ट तरीका है। अब बच्ची अपने पास 2 गाड़ी और मैंने इसको सेल पे नहीं डाला, इसलिए इसके कस्टमर नहीं आ रहे। वही मैं कहूँ बड़ी देर हो गई, इनके कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? होंडा सिविक थी जो कि मैं लाया था 2600 की और इसको मैं बेचने वाला हूँ 4500 का, या फिर 5000 ही डाल के खत्म करते हैं, टेंशन गाड़ी पूरी ठीक है। और ये लाया था 3000 की जिसपे मैंने $640 और लगाए। तो ये गाड़ी कायदे में जानी चाहिए, $50,000 की, बहुत बड़ा कर डाला है मैंने। उम्मीद है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा है इस गाड़ी से। सफाई सुफी कर देता हूँ, गाड़ी फुल चमकनी चाहिए। कार वो से करवा के आ जाना चाहिए मुझे काम पर, मैं थोड़े पैसे बचाता हूँ। अबे यार पता है प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो रात हो चुकी है तो कोई फायदा नहीं हुआ, हम लोग सुपरा नहीं खरीद पाएंगे। अगर रात नहीं होती ना तो इसका कोई कस्टमर आता जो कि इसको ले जाता 40,000 में और पैसे इकट्ठे हो जाते, 72,000 हो जाएंगे मेरे पे। यार कमा रहा हूँ मैं अभी, बहुत फास्ट स्पीड से कमाने लग गया हूँ मैं। ठीक है कस्टमर आया भाई, देख ले 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 यार इसको, अभी भी मैं जल्दी से सुपरा ले आऊंगा। 50,000, 37 तो देने के लिए रेडी हो गया भाई। 2 सेकंड रुक जा, पीछे एक और बंदा आया। कितने दे रहा है भाई? पेंटेड है गाड़ी थोड़ी सी,
40,000 बिकती है भाई गाड़ियाँ, ऐसी बात नहीं। 42,000 दे और निकल, देख ले। ओ भाई क्या बिकी है भाई, क्या बिकी है गाड़ी, 74 हो गए। जल्दी से सुपरा ले आता हूँ यार, मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को ऐसा लग रहा रात हो जाएगी और मैं नहीं खरीद पाऊंगा। भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी, रात नहीं प्लीज, रात नहीं, रात नहीं, रात नहीं। कहाँ थी सुपरा? अबे यार वो उस वाली गली में खड़ी है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ना 8 PM होती है, डे चेंज होता है और सारी कार्स गायब हो जाती हैं। अगर मैं पहुंच गया ना, हो जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लिया भाई, कितनी जल्दी इकट्ठा करा है मैंने, बट ये दूसरी गली का चक्कर पड़ गया यार। लेट्स सी, 18 सेकंड्स है, मैं उससे कोई बार्गेन नहीं करने वाला, मैं सीधा परचेज बटन दबाऊंगा, सीधा परचेज, वो रही लेफ्ट में। ये क्या हो रहा भाई, 1 सेकंड से मैं रहने वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, जल्दी 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 भाई बेच दे यार, गायब मत होइयो। हो गया, अगर मैं इसको टच कर दिया है, देखो रात हो गया भाई, मैं किस टाइम पे पहुंचा हूँ। ठीक है, 70,000 बस, फाइनली हमने सुपरा ले ली, समझ लो। दे दे भाई, वू लेट्स गो, गाड़ी खरीद दी भाई, बिन देखे खरीदी मैंने गाड़ी। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स कार अपने पास आ चुकी है। ओ भाई लेट्स गो, ओहो ओहो, इसको तो एकदम मस्त करके बेचूंगा भाई। मैं पहले एक स्किल पॉइंट अनलॉक हुआ, रुक जाओ मैं पहले ले लूँ भाई गाड़ी। मैं क्या भाग कर आया हूँ, ये देखो जो मैं बोल रहा था ना, सारी कार गायब हो जाती है, सब गायब हो जाता है, नेबरहुड खाली हो जाता है। मैंने ले लिया भाई, तुम्हारा भाई डेंजर है थोड़ा। तो कार अनलॉक का मैंने ओपन कर लिया है, इस गाड़ी को मैं यहीं से साफ करके ले जाऊंगा भाई, मुझे चमकता हुआ माल चाहिए एकदम। और अभी स्किल अनलॉक हुई है तो गाड़ी ना सारी बहुत जल्दी जल्दी मैं क्लीन कर पाऊंगा। लेट्स गो भाई, क्या कलर अच्छा नहीं है यार, कलर ठीक कराते हैं, मतलब ऐसा बुरा भी नहीं है, बट ऐसे कुछ ऐसे मजा नहीं आ रहा, येल्लो कलर कराएंगे इसका फिलहाल। आज तो मैं इस गाड़ी से मजे लेने वाला हूँ बहुत ज्यादा, भगाएंगे इसको, थोड़ी ड्रिफ्ट शिफ्ट मारते हैं। और अभी पहले से आराम से, हाँ ओहो भाई साहब, इस गाड़ी की थोड़े अलग बातचीत है। और मैंने इसे कल कल 1.5 लाख आने वाला भाई, अपने टेंशन मत लो। नहीं बच गई, अपने ऑफिस पे कस्टमर आया हुआ है, पहले ऑफिस चलते हैं, इसी गाड़ी से जाएंगे ऑफिस में। एक और ओ भाई पटाखे मार रही है, तो वो चला गया वो ऑफिस से भाई, मजा आ रहा है भाई इस गाड़ी को चलाने में। ठीक है भाई, तो आज हम लोग ऑफिस नहीं जाने वाले, पहले इस गाड़ी को यहाँ पे खड़े करते हैं और लाइट वाइट बंद करो, फटाफट से सोने चलते हैं अपने छोटे से घर में। आज देखना नुकसान जो हुआ है ना, कल मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और गाड़ी का इंजन ऑन रह गया था क्या रात भर? ओके हाँ, इंजन ऑन रह गया था, वही मैं कहूँ, बड़ी तेज शोर आ रहा है। इंटीरियर देख रहे हो भाई तुम, क्या बातचीत है भाई गाड़ी के अंदर। अब इसको लेकर चलते हैं, मैं इसे बेचने वाला हूँ, पर्सनल कार नहीं रखेंगे क्योंकि पैसा कमाना है भाई। एट दिन सुपरा आ चुकी है, यानी अभी हम लोग लग्जरी कैटेगरी में एंटर कर गए हैं। अब ओ भाई क्या, ये तो बॉम्ब फोड़ रही है थोड़ा सा, ये दिख रहे भाई कब, ऐसे थोड़ा रैंडम है, शायद से मैं रेव छोड़ता हूँ। नहीं ओ मारा, अच्छा अरे वाह क्या ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट कैसे मार रही है। हाँ भाई ऑक्शन वालों देखो बेटा, ले आया मैं भी गाड़ी। ठीक है पहले रिपेयर कराते हैं, फिर थोड़ी बहुत चलाएंगे, उसके बाद इसे बेचने पे लगाऊंगा मैं। आई चलो इंजन बंद भाई, इसको जितनी मस्त हो सकते हैं उतनी रिपेयर कर दे, मजा आ जाएगा। $900 इसने लिए हैं। चलो जब तक ये रिपेयर हो रही है फटाफट से ना मैं ऑफिस पे चलता हूँ, कस्टमर आए हुए हैं, मेरा सारा पैसा कल मैं खत्म कर आ गया इस गाड़ी पे। और मैंने जो फास्ट काम करा है ना, मुझे मालूम है भाई, जल्दी जल्दी मैंने आंख बंद करके गाड़ियां खरीदी है और जल्दी जल्दी बेची है। आई थिंक बिजनेस मुझे ऐसे ही करना चाहिए, तभी तेज ग्राइंड होगा। अभी 3,300 आस्किंग प्राइस क्या है, 5,000 ना, तो 2 मिनट रुक जाए, इसके 3-4 कस्टमर है, सबसे बात कर लूँ, कोई 4,000 की लेगा उसे बेच दूंगा ना। ओके 3,200 भाई ले लो यार, 4,000 की कोई, रुको यार सबके सब ना निकलो यहाँ से, मेरे को ना गाड़ी थोड़ी साफ करने दो। आई थिंक गाड़ी साफ नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि सस्ती है। चलो अभी सबके सब निकलो, मुझे नहीं बेचनी गाड़ी इतनी सस्ते में ना। चलो चलो चलो, गुड बाय गुड बाय, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब अपने पे सुपरा ऊपर आ चुके भाई, महंगी डीलरशिप है, फटाफट निकलो, जेब में $3,000 में डाल के आया करो यहाँ पे। भाई ये लोग कह रहे होंगे सुपरा के आगे इतनी अकड़ कहाँ से आ गई भाई शोरूम वाले पे, भाई आनी चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा यार। अब बस गाड़ी का ना कलर पे पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि ना भी लगाऊँ ना तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार अब गाड़ी आई है, थोड़ी ऐसे पसंदीदा कार है तो लगे हाथ करा देते हैं ना चेंज। इस गाड़ी के लिए बहुत झटके से बहुत ज्यादा मेहनत करी है मैंने, और लाख की बेच के रहूंगा मैं इसको, ये तब तक मेरे पास खड़ी रहेगी जब तक ये 1 लाख की नहीं बिकेगी। हाँ जी सर, आप इस पे डालो येल्लो कलर बिना सोचे समझे, पॉलिश थोड़ा मेटालिक, आई थिंक ठीक है ये कलर, $300 डन कार। ओ भाई तू पागल है क्या, थोड़ा सा क्या पेंट कर दिया ये, अबे दिखाया क्या इन्हें, करा क्या है देखना इसको, पागल बना दिया। ओ अच्छा मैंने सिर्फ पॉलिश, अरे वाह अब हुई है, सॉरी भाई सॉरी, $600 कमा लिया यार उसने। चलो ठीक है गाड़ी फुल रेडी है, फटाफट से लेके चलते हैं, आराम से, कोई आ तो नहीं रहा ना भाई। भाई क्या ऐसा लगता है चमकता हुआ सोना आ रहा है भाई, ये सच में 1 लाख वाला माल है। लाओ भाई, ठीक है भाई मेरा बिल्कुल अब चलाने का मन तो है, बट पहले इसे सेल पे लगाते हैं। वेब पेज
टोयोटा सुप्रा 1,10,000 डॉलर्स। ये वो इतने है ना, मैं जीरो काउंट करने दो। हाँ 1,10,000 डॉलर्स। चलो भाई आगे। हाँ जी आप 4,000 लाए हो जेब में फटाफट से, टाइम पास नहीं करना मेरा। अरे 3,000 का पागल हो गए हो क्या? इतनी सस्ती बेचूंगा क्या मैं? सुपरा उपरा ले लो मेरे से, चमका देता हूँ मैं सब गाड़ियां भी। देखो अपना मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है, मैं बस कस्टमर्स का ही वेट कर सकता हूँ। ये दोनों गाड़ियां लेकर आ चुका हूँ, एक है 1,00,000 डॉलर की बिकने वाली और एक है 4,000 में निकल जाए तो बढ़िया है। आप आगे खड़े हो, आराम से गाड़ी देखो, चिल करो जब तक मैं इससे बात कर लेता हूँ। हाँ जी यार, मैं चाह रहा हूँ ये वाली गाड़ी ना 4,000 में निकल जाए, और मेरे को ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है बेचने की, तो आप फटाफट निकलो। आराम से बेचूंगा मैं इस कार को, इसके टायर घटिया है इसलिए तो नहीं बिगड़ी गई। हाँ बताओ, आप बताओ, 70 की मैं लाया था तो प्लीज 70 से नीचे तो बात करना मत, ठीक है? 1,10,000 भाई का 90,000 डॉलर की डील मिल रही है, विश्वास नहीं हो रहा। 70 की लाया था, 90,000 ऐसे मिल रहे हैं। एक काम कर, 95,000 ट्राई करता हूँ मैं इस पर, बाकी खरीद मत लियो प्लीज। नुकसान हो गया भाई। मैंने मजाक में 95,000 डाला था और ले गई भाई वो, 1,00,000 ही डालना चाहिए था, बट ठीक है मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है फिर भी, एक ही बार में 22,000 डॉलर कमा लिए। तो मतलब एक बार तुम बड़े बिजनेस में जाओगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बस इस कार को भी 2,000 में निकालते हैं। 1,00,000 का अपना टारगेट था जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आ जाओ भाई ले लो इसको कोई, अब मैं बेच रहा हूँ 2,000 की है। मेरा 1,00,000 का टारगेट मुझे कंप्लीट करना था बस। क्रेजी भाई, आज आज बढ़िया पैसा कमाया मैंने। खरीद लो कोई इसको आगे, 1,800 लास्ट। यार यहाँ पर लिखकर आ रहा है ऑफिस इज डर्टी, ये वॉल वगैरह सब कुछ गंदी हो चुकी है, तो पैसा आया है, मैं चीजें अपग्रेड करूंगा, टेंशन मत लो, ऑफिस पे लगाएंगे। पर अभी नहीं, अभी थोड़ा बहुत और कमा लूं, अभी कमाना सीख चुका हूं मैं, बट थोड़ा सा और कमा लूं उसके बाद अपग्रेड करेंगे ये सब। मैं क्या होगा, 4-5 कस्टमर का रिजेक्ट कर दिया, इस गाड़ी को लेने कोई आ ही नहीं रहा। चलो ठीक है, एक बार और नेबर चक्कर काट आता हूँ। फरारी फरूरी आ रखी होगी, मजा आ जाएगा। मैं वैसे ना फरारी नहीं, ओ वेट यार टेस्ला ही है। टेस्ला वाओ, कितने की दे रहा है यार? डायमंड 38,000 नहीं। तो भाई देखो अब मैं लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर चुका हूँ, तो मेरे को छोटी मोटी गाड़ियां ना मैं बहुत ही रेयरली बाय करूंगा। ओ वेट, कुछ विंटेज दिखा, कुछ तो विंटेज दिखा मेरे को, पता नहीं ये कितना महंगा होगा या कितने का बिकेगा, बट है विंटेज है तो महंगा होना चाहिए। क्या है ये गाड़ी है? 24,000, पता नहीं मैं इसे कितने का बेच पाऊंगा। पर एक सेकेंड भाई, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, एक और सुपरा। हाँ भाई 25% डैमेज, जल्दी बताओ। 69,000 भाई, क्या हो गया मेरी किस्मत में, सुपरा कहाँ से टपक रही है इतनी? 65,000, ओए नहीं, हाँ 65,000 की बेचते यार। ओके, एक नहीं, आज हमने दो सुपरा बाय कर लिया। इसको ऑफिस भिजवाता हूँ सीधा। हाँ इसको भेज दो ऑफिस में, मैं आ रहा हूँ बस से। ऑफिस पे एक कस्टमर भी है, जल्दी से पहुंचते हैं। दो सुपरा ले ली भाई आज तो, ये वाली 1,00,000 की बेचेंगे। अब जब खर्चा कर ही दिया तो लगे आते टेस्ला भी पकड़ लेता हूँ यार। 38 की तो तू यार, नहीं तू रहने दे भाई, तू महंगा बंदा है। चलो फटाफट से ऑफिस। ओके इस कार के दो कस्टमर आए हुए हैं, इनको फटाफट से फ्री करता हूँ मैं। आई ड्यूड 5,000 की कार है, 3,500 रुक जाइए ले, 3,800 के लिए ऑफर है इसका, बता मेरे को। ओके हो गया, 3,800 की बिक गई। इस गाड़ी को बेचते हैं हम लोग रिपेयरिंग के लिए, एंड अभी आपको मेरा बैंक बैलेंस 1,00,000 का दिखने वाला है, अगर ये जल्दी से रिपेयर होकर बिकने के लिए लग जाए तो। रिपेयर ऑल पार्ट फास्ट, जल्दी कर यार। चलो ठीक है यार, आज तो भाई सच में बहुत मस्त हमने पैसा कमाया, 1,00,000 डॉलर फाइनली हमने कर दिए। बट हाँ अभी वैसे तुम्हें दिख नहीं रही क्योंकि मेरे पास 70,000 की सुपरा रिपेयर होने पर लगी हुई है, तो उसे भी काउंट कर लो। चाहे वैसे 70,000 डॉलर की वो लाया हूँ, बिकेगी वो 1,00,000 की, यानी हम लोग पार कर चुके हैं आज बहुत ज्यादा पैसा। बाकी यहाँ मैं सोच रहा था लगे यहाँ अगर पैसा पार हुआ ही है तो थोड़े बहुत अपग्रेड्स कर लेते हैं ऑफिस पे। पर हाँ ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं, हम लोग ये सब करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाड़ी मस्त रिपेयर होकर आ चुकी है, टेक्नो मोटर्स आज जैसा है नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे बहुत ही डिफरेंट, बहुत लग्जरी और बहुत क्रेजी बनाने वाले हैं, क्योंकि अब सुपरा, मस्टांग, फरारी, लैम्बोर्गिनी नेक्स्ट टारगेट अपने ये सब हैं, वो जल्दी आने वाले हैं। फिलहाल आज के सारे वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा आज के वाले एपिसोड में। अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जाके दबा दो। इस गेम में पैसा कमाने में और ये बिजनेस करने में जो मजा आ रहा है ना भाई, सच में बिल्कुल ऐसे रियल लाइफ वाला फील हो रहा है। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे आप लोग कॉमेंट्स में जाके बता सकते हो, और आपकी फेवरेट कार कौन सी है ये भी कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।